नेता अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं, सत्ता लोभी और महत्वाकांक्षी भी होते हैं, परंतु सत्ता के सनक और पद के हनक में राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए कथित तौर पर अब केजरीवाल के इशारे पर उनके एक सहयोगी नेता खतरा बन गए हैं, जिनका नाम है भगवंत मान। भगवंत मान ने सरकार संभालते ही पंजाब में आम आदमी पार्टी का एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही भगवंत मान खालिस्तानी एजेंडे को हवा देते हुए केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल पिछले दिनों भगवंत मान ने पठानकोट हमले से जुड़ा एक किस्सा बताया कि उस समय भारत सरकार ने सेना भेजने के बदले पंजाब से धन की मांग की थी। मान ने कहा, पठानकोट हमले के 1.5 महीने बाद उन्हें केंद्र से एक पत्र मिला जिसमें सेना के ऑपरेशन के बदले रुपए की मांग की गई थी। मान ने बताया कि केंद्र ने उनसे 7.5 करोड़ रुपए मांगे थे। उसके बाद वह राजनाथ सिंह से मिले और उन्होंने कहा कि यह धनराशि उनकी सांसद निधि से काट ली जाए, लेकिन बदले में यह लिखकर दे दें कि पंजाब भारत का भाग नहीं है। मान मूलतः भावनात्मक रूप से अपनी बात रखते हुए सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यदि केंद्र की ओर से कोई पत्रक दिया जाएगा तो पंजाब सरकार को दिया जाएगा, न कि सांसदों को। और रही बात CAPF भेजने की, तो जब केंद्र किसी राज्य में CAPF भेजता है तो राज्य भी उस ऑपरेशन में हुए खर्च का एक हिस्सा केंद्र को देता है, और यह पंजाब पर भी लागू होता है। भगवंत मान की बात तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन यह बिना कारण नहीं कही गई है। हाल ही में केंद्र ने चंडीगढ़ के संदर्भ में एक बदलाव किया है। अब चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारी केंद्रीय नियमों के अधीन कार्य करेंगे, जबकि पहले उन पर पंजाब के नियम लागू होते थे। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद था, जिसके बाद केंद्र पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा ने इस पर अपने अधिकार नहीं छोड़े। हालांकि संवैधानिक रूप से यह विवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन जब केंद्र ने बदलाव किए तो पंजाब के कई राजनीतिक दलों को लोगों की भावना भड़काने का मौका मिल गया है। आपको बताते चलें कि पंजाब की राज्य स्तरीय पार्टियां भाजपा के विस्तार को लेकर सशंकित है। भाजपा राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, तो उसे रोकने के लिए क्षेत्रवाद की राजनीति से जवाब दिया जा रहा है। ऐसे वक्तव्यों का प्रयोग कर आम आदमी पार्टी पंजाब में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है। क्षेत्रवाद एक गंभीर समस्या बन सकता है, क्योंकि पंजाब देश के अन्य राज्यों की तरह शांत क्षेत्र नहीं रहा है। पंजाब में अलगाववाद का एक इतिहास रहा है, और खालिस्तानियों ने पंजाब की विशेष पहचान को आधार बनाकर उसे भारत से काटने की हमेशा से साजिश रची है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है, और पाकिस्तान को भारत में भारत विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए पर्याप्त मौका मिल सकता है। ऐसे में मान को शब्द चयन सोच समझकर करना चाहिए था। मुख्यमंत्री भगवंत मान के वक्तव्य से यह लगता है कि सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी क्षेत्रवाद की राजनीति करने लगी है। क्या यह भारत के हितों के लिए खतरा नहीं? क्या यह खालिस्तान के एजेंडे जैसा नहीं है?